वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स, अ पार्ट ऑफ संजीवनी नर्सिंग कॉलेज। वाइटल साइन क्या होता है? कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर होते हैं या नर्सेज होते हैं, सबसे पहले हमारा हेल्थ असेसमेंट करने के लिए, जो एक डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, हमारी पल्स रेट, हार्ट रेट जो होती है उसको चेक करते हैं, रेस्पिरेशन को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, इनको चेक करने से क्या निकल के आता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वाइटल साइन का एक ओवरव्यू देना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब वाइटल साइन होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन विजिबल है, आप देख सकते हैं इसको बोर्ड पे, सामने आपको डेफिनेशन लिखी हुई। वाइटल साइन और कार्डिनल साइन आर एज बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। जो भी कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, उसका हेल्थ असेसमेंट हम जो करते हैं, एक डेमोग्राफिक डाटा जो कलेक्ट करते हैं, एक स्टैटिस्टिक डाटा जो कलेक्ट करते हैं, वो हम वाइटल साइन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ हेल्थ असेसमेंट में आता है, जो डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करने में। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टैटिक्स होते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं वाइटल साइन में, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट आता है, और उसके बाद रेस्पिरेशन की बात आप करते हैं, श्वसन रेट जिसको बोला जाता है, और ब्लड प्रेशर की बात आप कर लेते हैं, रक्त दाब जिसको कहा जाता है। अब इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू में हम जो देखते हैं, आप देख सकते हैं टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये दो यूनिट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फर्स्ट वन आपका फ़ारेनहाइट स्केल में आता है, दूसरा सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल कहा जाता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में आप देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। अब इसका सेल्सियस देखते हैं तो ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस आता है, 37 डिग्री सेल्सियस इंक्लूड किया जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर जो होता है एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का 120/80 mmHg, मतलब मिलीमीटर पर मरकरी, इसमें जो है ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। लेकिन आजकल आप देखते हैं नाउडेज क्या होता है, एक हमारी जो लाइफस्टाइल है, एक हमारा जो डाइट पैटर्न है, और एक हमारी जो कॉन्सियसनेस, एक स्टेट है जो हमारा इमोशनल कंडीशन होती है, उसमें 120 जो है इसके आगे आप देखते हैं 140/100, यहां तक ये नॉर्मल इंक्लूड किया जाता है। हमारी जो डाइट लाइफस्टाइल, उसके कारण हमारा जो एक नॉर्मल 140/100 भी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंक्लूड किया जाता है आजकल। लेकिन आप बुक्स में देखते हैं, जो आपको एक रिटन जो स्टैटिक्स मिलते हैं, उसमें आपको 120/80 देखने को मिलता है, लेकिन आजकल प्रैक्टिकल व्यू में आप जाते हैं तो 140/100 तक ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट या हार्ट रेट भी इसको कहा जाता है। तो ये पल्स रेट एक नॉर्मल 70-80 BPM किया जाता है, बीट्स पर मिनट, 70-80 बीट्स पर मिनट, या फिर एग्जैक्टली जो बताते हैं वो 72 बीट्स पर मिनट की बात करते हैं, कि 72 बार हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है एक मिनट में। तो ये 70-80 BPM बीट्स पर मिनट इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन रेट की बात करते हैं, तो जो रेस्पिरेशन रेट होता है हमारा वो 16-20 ब्रीथ्स पर मिनट आता है, मतलब एक मिनट में हम 16 से 20 बार सांस लेते हैं। इस रेस्पिरेशन रेट में तीन प्रोसेसेस आती हैं, आप जानते होंगे इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और पॉज। तो ये जो भी हमने आपको बताया, ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, वाइटल साइन असेस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम इसी पार्ट में देखते हैं। तो इन चीजों की बातें हम इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आगे करने वाले हैं, जिनका लेक्चर आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेगा। लाइक जैसे टेम्परेचर का आपको अलग लेक्चर देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन, पल्स रेट और आपका ब्लड प्रेशर, इनके अलग लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों का असेसमेंट हम जिन इक्विपमेंट्स की सहायता से करते हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से इन वाइटल साइंस को हम जनरली असेस करते हैं, हम उनकी बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो फर्स्ट वन है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को असेस करने के लिए आप जनरली जानते हैं थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर के कितने टाइप्स होते हैं, हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेम्परेचर वाले लेक्चर में आगे देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पल्स रेट।
पल्स रेट को असेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वॉच होनी चाहिए, जिसको देख करके हम उस पल्स रेट को काउंट करते हैं। उसके बाद स्टेथोस्कोप के थ्रू, एपिकल पल्स वगैरह होते हैं आप जानते हैं, उसको स्टेथोस्कोप के थ्रू फील किया जाता है, और मैनुअल असेसमेंट भी होता है क्योंकि हम अपने हाथों से पल्स रेट को फील करते हैं। आप जानते हैं थ्री फिंगर्स का जो है मेनली इंडेक्स फिंगर और एक जो मिडल फिंगर होती है, इसको लेकर के हम मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा पल्स रेट को फील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट को असेस करने के लिए सबसे पहले वॉच होता है, जिसमें हम एक टाइम काउंट करते चलते हैं, और उसके बाद उसके साथ ही मैनुअल असेसमेंट करते हैं, जो हम एब्डोमेन पे अपने हाथों को प्लेस करके और रेस्पिरेशन रेट को काउंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर बीपी मशीन जो होती है, जो लोग जनरली नहीं जानते हैं वो इस चीज को जान लें कि ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए जो मशीन होती है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की सहायता से, स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर, ये दो ऐसे मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम ब्लड प्रेशर को असेस करते हैं। अब इतना ये इक्विपमेंट्स की बात हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं वाइटल साइंस जो भी होते हैं, इनको वाइटल क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइंस, ये इनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, इनका जो एक रिजल्ट होता है वो गवर्न किया जाता है वेरियस वाइटल ऑर्गन्स के द्वारा। जैसे आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं, लंग्स के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और पल्स रेट की बात आप कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, हार्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं आप देखते हैं, टेम्परेचर की बात आप कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस स्किन, इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हम बात करें तो इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है अगर इनमें कोई डेविएशन है, मतलब लाइक अगर वाइटल साइंस की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी फंक्शन वो नॉर्मल नहीं है, हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो अल्टर्ड हो गया, वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि बॉडी फंक्शन अगर नॉर्मल होगा तो ये वाइटल साइंस की रीडिंग्स भी नॉर्मल आएंगी। रीडिंग्स एबनॉर्मल हो रही मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं। अगर हम इन फाइंडिंग्स में कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करना है तो हम इन फाइंडिंग्स की सहायता से कर सकते हैं। जैसे आप कोई दवा दे रहे हैं, उस दवा, उस मेडिकेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है पेशेंट के ऊपर, उसको अगर हमें देखना है तो हमें इन फाइंडिंग्स को निकालना जरूरी होता है। अगर ये फाइंडिंग्स नॉर्मल आ रही मतलब दवा बराबर काम कर रही है, क्योंकि बॉडी का फंक्शन नॉर्मल होता जा रहा है। आप डिजीज डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, अगर इन फाइंडिंग्स में कोई अल्टरेशन, कोई डिफरेंस है, मतलब कोई डिजीज बॉडी के अंदर चल रही है, आप उन फाइंडिंग्स के बेस पर उस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर इन फाइंडिंग्स में, इन प्रॉब्लम इन लाइक वाइटल साइंस में अगर कोई भी एक स्पेसिफिक वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कोई एक स्पेशल वेरिएशन, वैरायटी देखने को मिल रही है, कोई एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। मतलब बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आप प्रॉब्लम्स की आप बात कर लेते हैं, इनएडिकेट O2 कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए हो सकता है उसका रेस्पिरेशन रेट एबनॉर्मल आ रहा हो, उसका हार्ट रेट एबनॉर्मल आ रहा हो, इसके कारण ऐसा हो सकता है। इन्फेक्शन बॉडी में है मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन है मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की बात आप कर लेते हैं, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, डिहाइड्रेशन है, मतलब वो सीधा सीधा टेम्परेचर को राइज कर रहा है, ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, रेस्पिरेशन रेट को लो कर रहा है, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में तो वो सीधा सीधा इन वाइटल साइंस की जो फाइंडिंग्स होती है उनको डेविएट करता है, उनको डिफर कर देता है। उसके बाद इमोशनल वेरिएशंस की बात करते हैं, जो वाइटल साइंस होते हैं उनको, जो उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, इमोशनल वेरिएशंस से भी काफी हद तक इंपैक्ट होता है उन पर, उनके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं एंगर की बात हम कर लेते हैं, एक्साइटमेंट की बात हम कर लेते हैं, नर्वसनेस की बात हम कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे इमोशनल स्टेट्स होते हैं जिसमें कि ये फाइंडिंग्स जो है ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा एंग्री पीपल है उसका आप देखते हैं पल्स रेट भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं जनरली इमोशनल वेरिएशन होने पर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर ब्लड प्रेशर घट जाता है, तो ये फाइंडिंग्स आपको देखने को वेरिएशन मिलता है। इसके अंदर ये एक हमारा ओवरव्यू था, वाइटल साइन का एक ओवरव्यू था। हम ये जो बातें आपको हम बताए हैं इसको हम इन डिटेल, मतलब लाइक टेम्परेचर को पूरा टेम्परेचर, उसके अंदर फीवर टेम्परेचर को कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको हम गेन करते हैं, वो सारी चीज़ें, उसका कंट्रोल कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें, पल्स रेट की कितने साइट्स होती हैं, पल्स रेट को कैसे असेस करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, तो वो जो भी है
इसके सारी चीजें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये एक आपको ओवरव्यू दिया गया है वाइटल साइन का। तो आगे के लेक्चर्स पर आप फोकस करते रहिएगा, क्योंकि वाइटल साइन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, आप नर्सिंग कहीं पर भी चले जाते हैं, कितना भी आगे चले जाते हैं, अगर आप वाइटल साइन को नहीं समझ पाए तो आप पूरी नर्सिंग में नहीं समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वाइटल साइन समझना बहुत जरूरी होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अपकमिंग वीडियो।